नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। किसान साथियों, मैं अभी राजस्थान के अंदर जो गंगानगर है, श्री गंगानगर, उस जगह पे हूँ और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो किन्नू है उसकी खेती होती है। तो राम राम जी। राम राम जी। तो पहले तो आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। बलविंदर राम अबोर से हैं। हमने बाग बगीचा ये ठेके पे लिया हुआ। अच्छा, तो ये पूरा ठेके पे लिया हुआ है। हाँ जी। यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग करोगे आप? टोटल पूरी हार्वेस्टिंग करोगे? पूरी। तो इसकी थोड़ी आपके भी बाग है? हाँ, हमारे भी बाग है वहाँ पे। अच्छा, जैसे इसपे कोई किसान साथी ये बाग लगाना चाहिए किन्नू का, तो किस हिसाब से लगा सकता है वो, तो थोड़ा डिटेल से बताओगे? ये दूरी के हिसाब से ही होता है। जैसे 20x20 पे होता है, 20x20 पे भी लग जाता है। जितनी दूरी होगी उतनी ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, जितनी दूरी होगी उतनी ग्रोथ होगी। और ये एक पेड़ हार्वेस्टिंग के लिए कितने साल में तैयार हो जाता है? ये तीसरे साल फल देना शुरू हो जाता है। तीसरे साल में फल लगने लग जाते हैं? बिल्कुल। थोड़ा बहुत आ जाता है तीसरे साल में, चौथे पांचवें साल में फुल जैसे बढ़िया फल आ जाता है। और अपन इस किन्नू की जो वैरायटी की बात करें, तो सबसे अच्छी वैरायटी के अंदर कौन सा वैरायटी रहती है? वैरायटी किन्नू की तो एक ही होती है। जैसे अलग अलग किस्में होती हैं, माल्टा होता है, मौसमी होती है, संतरा होता है, किन्नू में ये एक ही आती है क्वालिटी। अच्छा, ये एक ही आती है। और इसकी जैसे पेड़ की बात करें अपन, तो एक पेड़ में हार्वेस्टिंग कितने किलो तक हो जाती है? जैसे ये अभी तो छोटा है पौधा, जैसे फुल पुराना बाग होता है ना, उसकी 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक भी 5 क्विंटल तक निकल जाती है? निकल जाती है आराम से। तो एक पेड़ की जो एक पे ये साल में एक बार ही होता है? हाँ, साल में एक बार। एक बार ही हार्वेस्टिंग? जैसे अब ये टूटेगा ना बगीचा, खाली होगा, फरवरी में दोबारा फल आना शुरू हो जाता है। फरवरी में दोबारा आने लग जाता है? दोबारा शुरू हो जाता है। और नौवें दसवें महीने में कटाई शुरू होनी हो जाती है। अच्छा, वापस देने लग जाता है? देने लग जाता है दोबारा। और जैसे अपन इस किन्नू की बात करें, तो यहाँ पे देख अपन देखेंगे कि काफ़ी, एक बार मेरे सहयोगी साथी से कहूँगा कि एक बार अंदर जूम करके दिखा दें कि इस किन्नू के अंदर काफ़ी फल लगे हुए हैं। और इन फलों को देख रहा हूँ तो सबकी क्वालिटी एक नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इनमें कोई रोग लगता है? रोग तो होता है, अब कुछ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे होती है, खाद डलती है, वो पहले होता है इससे। अच्छा, पहले होता है? सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी में कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा, तो ये जैसे कोई अपने कितना टेम्परेचर ले सकता है, लास्ट टेम्परेचर कितने तक रह सकता है? ये तुड़ाई की बात करें तो नहीं, पेड़ पौधा कितने टेम्परेचर तक रह सकता है? 40 डिग्री तक रह सकता है क्या? हाँ, गर्मी सर्दी का इसको कोई फर्क नहीं है। पूरे राजस्थान में हो जाएगा? हाँ। और मिट्टी की बात करें तो अपन, मिट्टी ठीक है, ज़्यादा रेतली नहीं होनी चाहिए। पानी मेन इसको, पानी की होती है। पानी ज़्यादा डिमांड चाहिए? हाँ, पानी चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। इतना भी नहीं, मतलब गर्मी में डेढ़ महीने बाद पानी लगना चाहिए। अच्छा, तो ये बाग इस एरिया में कितने बीघे के अंदर है? ये एक मुरब्बा है जी पूरा। एक यानी 25 बीघा का है? हाँ, 25 बीघे का। 25 बीघा है एक मुरब्बा। तो यहाँ पे 25 बीघा, एक बीघे में कितने पेड़ लगते हैं इस जगह पे? इस जगह पे लगते हैं 70 पेड़ लग जाते हैं। 70 पेड़ लग जाते हैं? 65-70 पेड़ लग, 65-70। और एक पेड़ की जो पौधा होता है, छोटा पौधा, उसकी प्राइस की बात करें तो कितने का आ जाता होगा प्राइस? जैसे प्लांट भी होता है, 2 साल का लगता है, जैसे प्लांट होता है उसका प्राइस होता है 100 रुपये के करीब रहता है, 80-90-100 रुपया। अच्छा। और जो छोटा होता है 1 साल का, उसका 15-20 रुपये इतना ही रहता है। 15-20 रुपये? लेकिन कोई किसान साथी ये खेती करना चाहे तो अच्छे मुनाफे वाली खेती होती बहुत है? बहुत बढ़िया है, इसके खर्चा भी नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल सा खर्चा है, कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अच्छा, इसकी जो आप मार्केट में किस क्या प्राइस मिल जाती है किन्नू की? आप थोक में क्या बेचते हो तो क्या प्राइस मिल जाती है? ये मंडी का हिसाब होता है जी। फिर भी समथिंग, जैसे अबोर मंडी है यहाँ पे 9-10-11 रुपये बिक रहा है। अच्छा। जैसे जैसे मंडी दूर होती जाती है प्राइस बढ़ जाता है। अच्छे प्राइस मिल जाती है। तो आप कितने किन्नू निकाल लेते हो, कितने कैरेट निकाल लेते हो दिन में? दिन में हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह तोड़ लगी हुई है और यहाँ से निकलेंगी 600 कैरेट निकलेगी। 600 कैरेट अलग अलग जगह आपने? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, हर एक बगीचे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। राम राम जी। राम राम।